Hi all, welcome to my channel once again. So today's video is about comparison of acoustic guitar versus electric guitar. So as a beginner, you know, कई बार हमारे शॉप में भी लोग आते हैं, पूछते हैं कि सर acoustic guitar लेना चाहिए या electric guitar लेना चाहिए. So इन दोनों का comparison आज करेंगे, पता करते हैं कि दोनों में differences क्या है, body के specifications में difference क्या है, दोनों में दोनों के sound में difference क्या है, और दोनों किस म्यूज़िक के लिए दोनों इस्तेमाल होते हैं. बिकॉज जॉनर दोनों का प्लेइंग के लिए अलग अलग जॉनर्स के म्यूज़िक में दोनों इस्तेमाल होते हैं. अकूस्टिक गिटार्स अलग जॉनर में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार अलग जॉनर ऑफ म्यूज़िक के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो ये सारी चीज़ें, सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम देखते हैं. सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो. और है गाइस, सो कंपैरिजन के लिए आज हमारे पास कॉर्ड के गिटार्स हैं. ये अकूस्टिक भी कॉर्ड का है और इलेक्ट्रिक वाला भी कॉर्ड का है. और ये जो गिटार है ये AF500 MC मॉडल है इसका. और इसका जो मॉडल है ये कॉर्ड का इलेक्ट्रिक गिटार है, लेस पॉल है, एंड द मॉडल इज CR50. सबसे पहले मैं आपको इसका फिजिकल जो डिफरेंस है एक बार उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझना है कि लगभग जो फंडामेंटल्स है दोनों गिटार के बिल्कुल सिमिलर हैं. दोनों 6 स्ट्रिंग्स के गिटार्स हैं और टोन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होते हैं, जैसे E A D G B E, जो जैसे गिटार्स में स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है दोनों ही उसी तरह से ट्यून होते हैं. सो फंडामेंटल सेम है, 6 स्ट्रिंग्स गिटार्स हैं दोनों, इलेक्ट्रिक भी अकूस्टिक भी, बट बहुत सारे फिजिकल डिफरेंसेस हैं इसमें और ऑब्वियसली साउंड में भी डिफरेंस इसके हैं. सो लेट्स कवर द फिजिकल डिफरेंस फर्स्ट एंड देन विल कम टू साउंड डिफरेंस. और गाइस, सो ये अकूस्टिक गिटार है. सो अकूस्टिक गिटार में बेसिकली आप देखेंगे तो ये हॉलो बॉडी होती है, थिकर है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक. सो ये भी थिक होता है और अंदर से हॉलो होता है. सो अंदर कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली द वुड ऑन द टॉप एंड ऑल्सो एट द बॉटम, और साइड में वुड होता है और अंदर इट्स अ हॉलो बॉडी. सो बेसिकली जब हम इसको स्ट्रम करते हैं तो ये जो स्ट्रिंग्स की जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस ये अंदर साउंड होल पे जाकर एंड देन दे कम आउट एंड एम्पलीफाई एंड प्रोड्यूस अ साउंड. सो दैट्स हाउ इसकी साउंड आती है. सो इसमें आप यू कैन यूज़ इट एज अकूस्टिक गिटार, बट कई बार आपने अकूस्टिक गिटार पे आपने देखा होगा कि पिकअप्स लगे होते हैं और कई बार यहाँ पर आपने देखे होंगे इक्वलाइजर्स लगे होते हैं, और जो पिकअप होते हैं वो जनरली वो सैडल के नीचे लगे होते हैं और वहाँ से वो कैच करता है एंड देन इट कैन गो टू द स्पीकर ऑल्सो. सो एक वो भी तरीका है, उसको हम सेमी अकूस्टिक गिटार्स बोलते हैं, इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार, बट दिस इज़ प्योर अकूस्टिक गिटार. इसमें कोई भी पिकअप का वो नहीं है, बस केवल ये किसी स्पीकर में नहीं बजेगा, बट ऑन द अदर हैंड ये ओनली अकूस्टिक तरीके से बजेगा और इसकी आवाज़ मेरे ख्याल से यू नो 10-15 पीपल, 20 पीपल की गैदरिंग में आप इसको आराम से इसको बजा सकते हैं. सो बेसिकली अगर आपको शोज़ नहीं करना है स्टार्टिंग एज अ बिगनर जब आप होते हैं, तो आई थिंक द बेस्ट वुड बी कि एज अ बिगनर आप अकूस्टिक गिटार को आप कंसिडर कर सकते हैं. और गाइस, सो ऑन द अदर हैंड जब हम इलेक्ट्रिक गिटार को हम देखते हैं, तो अगर हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे स्पीकर में तो इसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत ही कम आती है आवाज़. तो इसीलिए इसको हमें कनेक्ट करके ही हम स्पीकर में इसको यूज़ कर सकते हैं. तो फॉर एज अ बिगिनर तो ये हमेशा यू नो यू विल हैव टू हैव अ एम्पलीफायर, इसके साथ एम्पलीफायर भी लेना पड़ेगा और ऐसे इलेक्ट्रिक गिटार्स भी आप लेना है. अच्छा इलेक्ट्रिक गिटार आप लेंगे तो थोड़ा बजट भी थोड़ा सा ऑन द हायर साइड हो जाता है. सो दैट्स वाई एज अ बिगिनर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट एन इलेक्ट्रिक गिटार यू कैन ऑब्वियसली बाय एन इलेक्ट्रिक गिटार ऑल्सो, बट इसके लिए एक एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली होता क्या है, जब इसको हम प्ले करते हैं स्ट्रिंग को, तो ये जो स्ट्रिंग से जो वाइब्रेशंस निकल के आ रहे हैं ये मैग्नेटिक जो कॉइल्स लगे हैं यहाँ पर पिकअप, ये कन्वर्ट करते हैं इसको वोल्टेज में एंड देन दिस वोल्टेज इज़ कन्वर्टेड इंटू साउंड. और ऐसे करके फिर ये जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, फिर वो जो साउंड आपको स्पीकर से निकल के आता है ऐसे, तब जाकर वो प्रॉपर साउंड निकल कर आता है. एंड दीज आर बिकॉज ऑफ दीज पिकअप्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं. सो हियर एंड हियर यू सी द पिकअप्स. सो ये पिकअप्स जो लगे हैं ये यू नो दीज कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू साउंड एंड दैट्स हाउ इसका साउंड एम्पलीफाई होके फिर स्पीकर्स में आते हैं. सो एक ये दोनों में डिफरेंस है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस.
और कैसे हम फिज़िकल स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो जनरली अकूस्टिक गिटार्स जो जिनका टॉप होता है वो आपको देखने को मिलेगा, स्प्रूस टॉप होता है, कई गिटार स्प्रूस टॉप के होते हैं, महोगनी का टॉप होता है, सपीले वुड होता है, एंड टोन वुड है, अलग अलग तरीके के टोन वुड्स आते हैं। और इस पर्टिकुलर गिटार में ये जो टॉप है ये महोगनी का है, और ये जो फ्रेट बोर्ड है ये फ्रेट बोर्ड मरबाव वुड का है। बाकी कई गिटार्स में जैसे यामा है, F280 वगैरह, F310 है, उसमें आपको रोज़ वुड देखने को मिलता है, मेपल वुड भी देखने को मिलता है कई बार। ये अकूस्टिक गिटार में जनरली वुड इसमें और इलेक्ट्रिक गिटार में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कई जैसे इसमें हम देखेंगे तो ये भी ये जो कॉर्ड का जो ये CR50 मॉडल है इसमें भी ये जो वुड है ये भी महोगनी वुड है, बट ये पेंटेड महोगनी वुड है। एंड जो फ्रेटबोर्ड है ये जटोबा वुड का है। ट्यूनिंग गियर्स अगर इसमें आप देखेंगे कवर्ड को क्रोम ट्यूनिंग गियर्स हैं। कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स आपको अकूस्टिक गिटार्स में भी देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स इसमें डाईकास्ट के ट्यूनिंग गियर्स हैं। यामा का जैसे गिटार है F280 वगैरह या 310 है, सब में आपको कवर्ड क्रोम ट्यूनिंग गियर्स देखने को मिलेंगे। एंड बट दिस इज़ अ बिग बिग डिफरेंस कि यू नो द बॉडी और द टोटल वेट ऑफ दिस गिटार, ऑफ इलेक्ट्रिक गिटार इज़ मोर देन अकूस्टिक गिटार। जो वेट है इलेक्ट्रिक गिटार का, दो ये देखने में पतला है, यू नो इट्स वेरी स्लिम फ्रॉम हियर, बट इट्स वेरी हैवी एज़ कम्पेयर टू अकूस्टिक गिटार, बिकॉज ये बिल्कुल अंदर से हॉलो होता है एंड दैट्स वाई इसका वेट बहुत कम होता है। इट्स क्वाइट लाइटर व्हेन वी कंपेयर दिस टू एन इलेक्ट्रिक गिटार। ऑलराइट सो गाइज, इन दी एंड माई फाइनल ओपिनियन इज़ कि यू नो फॉर अ बिगिनर आई थिंक अकूस्टिक गिटार वुड बी अ गुड चॉइस, बिकॉज इसके लिए स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक गिटार को में आपको यू नो फॉर एवरी टाइम यू नीड अ स्पीकर, और कहीं कैरी करके लेके जाना है तो आपको स्पीकर भी लेके जाने पड़ेंगे साथ में। और मैकेनिज़म मैंने आपको समझा दिया था कि साउंड यू नो एम्पलीफाई होके वोल्टेज में कन्वर्ट होके तब वो स्पीकर पे साउंड आता है इसका। और अगर आप खाली इसको ऐसे ही बजाएंगे विदाउट स्पीकर तो आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही कम आती है, सो विच मेक्स नो सेंस। सो अकूस्टिक गिटार इज़ ऑल्सो यूज फॉर जॉनर्स लाइक पॉप एंड रॉक, एंड ऑल्सो फिंगर स्टाइल भी आप इससे प्ले कर सकते हो। एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक गिटार यूज़ फॉर जॉनर लाइक मेटल एंड रॉक, एंड इसमें आप लीड वगैरह अच्छा प्ले कर सकते हो। स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा अगर आपको किसी बैंड में आप परफॉर्मेंस करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक गिटार की ज़रूरत पड़ेगी, बट इफ़ यू आर यू नो एट होम विथ पीपल स्मॉल गैदरिंग आई थिंक अकूस्टिक गिटार इज़ अ गुड चॉइस ऑल्सो। और गाइज दैट्स इट फॉर द कंपेरिजन। सो हमने देख लिया दोनों का कंपेरिजन, फिजिकल कंपेरिजन एंड ऑल्सो द साउंड टेस्ट। सो वॉट डू यू गाइज थिंक? बट माई आई हैव गिवन माई ओपिनियन ऑल्सो, एंड That's it for the review. Thank you so much for watching, and if you like the video, please subscribe my channel and also share it with your friends. Thank you so much for watching.